वेलकम दोस्तों, आज आए हुए हैं पार्क सर्कस में। लाइट के सामने खड़ा होना पड़ रहा है, थोड़ा निकल रहा है। यहाँ पर पीछे मंजर दिखाता हूँ। अभी अभी एक बड़ी सी रैली इस तरफ आई है। यहाँ पे हूँ एक घंटे से। काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों ने यहाँ पर आ करके बयान किए हैं। एक बच्चे ने काफ़ी खास बयान किया, अपलोड करूँगा। चलिए मैं आपको बाकी सारी चीज़ें अपडेट में बताऊँगा। उसका फ्लैट है, मैं उसको वहाँ से यहाँ लेके आऊँगा और व्यापी को डायरेक्ट फिर जकरिया स्ट्रीट और फिर शायद धर्मतल्ला में भी है। तो हम लोग जो टाइमिंग 8 बजे आप लोगों से गुजारिश, अभी सबने ब्रेक लिया हुआ है तो यहाँ पे थोड़ा वॉक पे निकला हुआ हूँ। थोड़ा दिखाता हूँ यहाँ पर क्या क्या है खाने में और क्या क्या बिक रहा है। ये शायद जूस है, यहाँ पर हलीम, स्पेशल लस्सी, शायद चाट वाट दे रहे हैं। यहाँ पे भी चाट है, ऐसे खाने वाला कुछ हूँ नहीं। यहाँ पे सब थोड़ा सा ब्रेक मिला है तो सोचा राउंड मार ले। भुट्टे हैं यहाँ पे, शायद पॉपकॉर्न मिल रहे हैं। काफ़ी भीड़ है। हाँ, पॉपकॉर्न है। यहाँ पे बहुत बड़ी मस्जिद है, एक अहले सुन्नत व जमात पाक सर्कस मैदान। अजान होती है जब प्रोटेस्ट के दौरान, तो सब लोग आकर के यहाँ नमाज पढ़ लेते हैं। अच्छी बात। ये थोड़ा दूर से ऐसा लगता है यहाँ पर जो सेटअप है प्रोटेस्ट का। ऐसी ब्लॉगिंग करता नहीं हूँ लेकिन थोड़ा निकला तो सोचा कर लूँ। चलिए बाकी का प्रोटेस्ट देखते हैं। जब हम इस साल कहे थे कि बटन बाबरपुर में जबे करण शाहीन बाग तक लगे, मगर उल्टा हो गया कि बिजली के खंभा गिर गए, बिजली के खंभा गिर गए, बड़ा अंधियार बा, बड़ा अंधियार बा, नीतीश का बताए देहा नंबर तोहार बा, नीतीश का बताए देहा नंबर तोहार बा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है, पंख फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और गैर के पर से कितना उड़ोगे, गैर के पर से कितना उड़ोगे, हद से हद दीवारों तक अंबर तक वही उड़ेगा जिसका अपना पर होगा। तो जब बाल अवस्था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की थी तो उन्हें स्कूल में क्लास में सबसे पीछे बैठाया जाता था, सबसे पीछे। तो गुरु जी कह रहे हैं कि भैया एक दिन ऐसा आएगा कि तुम चांद को छू लोगे। तो और बच्चों से पूछा ना बेटवा, तो बोले हाँ गुरु जी, ना बेटवा तो हाँ गुरु जी। जब आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से बाल अवस्था में पूछे कि ना भीम, बोले गुरु जी हम कैसे कहते कि जी गुरु जी, जिस दिन हमने इस पानी के कलसी को छू लिया तो उस दिन मैं आसमान को भी छू लूंगा, चांद को भी छू लूंगा, गगन को भी छू लूंगा। तो आदरणीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हम लोग को वो अधिकार दे करके गए हैं कि मोदी के पिताजी के पिताजी ही और उनके पिताजी और अमित शाह के पिताजी, आप लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, आपके जूतियों को आपके घर से बाहर नहीं निकाल सकते, आपके जूतियों को बाहर नहीं निकाल सकते। ये सब हूल टाप है, ये सब पतोलाबाजी है, झूठा है, क्योंकि वो जगह जगह पे झूठ बोलता है। बोले कदम कदम पे बात को बदले, कदम कदम पे बात को बदले, 10 कदम पे कपड़ा बदले और कोस कोस पे पानी, यही सब है धन्यवाद की निशानी, यही सब है धन्यवाद की निशानी। तो इन लोग एकदम भरोसा नहीं करने का, इन लोग अभी हाँ बोलेगा फिर कल ना बोलेगा। और अमित शाह जी कहते हैं इन चीज पे एनआरसी होगा,
फिर कहते हैं कि डाउटफुल सिटीजन नहीं लिखा जाएगा। ये लोग इतना रकम का बात बोल रहे हैं, लोग कैसी विश्वास कर ले बोलिए। हम लोग तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हम लोग अनाड़ी हैं। ये तो डॉक्टर भीमराव के अम्बेडकर जी के संविधान ने हम लोग को अधिकार दिया है, तब हमारी माँ और बहनें रोड पे आई हैं। तो मोदी परेश रावल को जानती हैं, परेश रावल से भी अच्छा कलाकार है। वो कभी बोलता है कि मुझे गंगा माँ ने बुलाया, मुझे फला ने बुलाया, तो मैंने उसको कहा तेरी बीवी ने बुलाया। तो इन लोग मिनट मिनट पे झूठ बोलते हैं। अच्छा हुआ श्रीलंका नहीं गया, नहीं तो आके बोलता रावण को हम मारा है। तो रामानंद सागर जी के रामायण को हम लोग देखे हैं, जो हम लोग इनका बात में विश्वास नहीं करेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, इन लोग दलितों को इतना सताया है। और माननीय आदित्यनाथ योगी जी उर्फ अजय कुमार मिश्र जी उत्तर प्रदेश के सीएम कहते हैं हम होली नहीं खेलेंगे। पता नहीं किस होली की बात कर रहे हैं, इन्होंने अढ़ाई महीना पहले तो खून की होली खेला था उत्तर प्रदेश में। इन्होंने खून का होली खेला है और अमित शाह जी दिल्ली में होली खेले हैं। आप लोग विश्वास रखें, इन लोगों को जेल जाने से इनका ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बचा सकता इन लोगों को। ये सब्र है हमारा और ये वादा है हमारा, क्योंकि हमें हमारे गांव में जब शादी होती है ना लड़के की, तो एक लड़का आता है सलवार सूट पहन के, वो नाचता है, उसे लोग इनामो इकराम देते हैं। क्या देते हैं? इनामो इकराम। तो वो देखता है लड़का का भाई कौन है, तो उसको जाके दुपट्टा उड़ा देता है, तो बेचारा शर्म से 100 रुपया दे देता। यही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि दुपट्टा उड़ा के IMPR NRC के केस को पीछे किया जा रहा है, हमारे हमलों के हौसले को तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि आजकल रिटायर्ड जज को भी नौकरी नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। रिटायर जो जज हो रहा है या जो आतंकी फैला रखे हैं दरोगा, इनको रिटायरिंग के बाद आदरणीय मोदी जी उनको नौकरी दे रहे हैं, और जो इनके खिलाफ कहता है उसका ट्रांसफर करवा देते हैं हरियाणा हाईकोर्ट में। तो भैया ये लोग चांडाल है, और हम लोगों को अपने को भी बचाना है, और हम लोगों की तो जिंदगी गुजर गई, ताकि हमारे नस्लें आराम से इस हिंदुस्तान में रह सके, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुल सीता हमारा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम। और पूरे पश्चिम बंगाल के अपना आवाम जिंदाबाद, हमारी माँ और बहनें जिंदाबाद, और हमारे साथी जो छेक के खड़े हैं इन लोग जिंदाबाद, पश्चिम बंगाल की पुलिस जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, कपिल मिश्रा, अमित वर्मा, अनुराग ठाकुर और दिलीप घोष, मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। जय हिंद।